हेलो डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के प्लांट टैक्सोनॉमी में पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ था। क्लासिफिकेशन में हमने तीन टाइप के क्लासिफिकेशन आपको बता दिए थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस के बारे में बताया था, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन जिसमें बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के पिछले लेक्चर में पूरी आउटलाइन आपको समझा दी थी। आज जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है एंगलर और फ्रेंटल का क्लासिफिकेशन, जो एक फाइलोजेनी पर बेस्ड है, जिसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्गीकरण दिया गया था वो विकास के आधार पर, इवोल्यूशन के आधार पर दिया गया था। दो जर्मन साइंटिस्ट जिनके नाम थे एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्लैंटर, इन्होंने अपना वर्गीकरण जब दिया था तो पूरे विश्व में उन्होंने अमरीका और यूरोप के जो क्लासिफिकेशन था बेंथम हुकर को, उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया था। और वहां आज भी जर्मनी और अमेरिका में इस एंगलर और प्रेंटल के वर्गीकरण को ही फॉलो किया जाता है। ये जो एंगलर और प्रेंटल का वर्गीकरण है वो आइकलर सिस्टम पर आधारित है, इसीलिए आइकलर का जो क्लासिफिकेशन है और एंगलर और प्रेंटल दोनों के वर्गीकरण काफी मिलते जुलते हैं। जो क्लासिफिकेशन दिया गया था ये फाइलोजेनी पर आधारित है, जैसा पहले भी बताया था, और पुष्प के अंदर बढ़ती हुई जटिलता पर दिया गया था। जैसे जैसे फ्लावर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उसके आधार पर ये वर्गीकरण दिया गया था। और जब ये वर्गीकरण दिया तो कुछ प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर पर ही बेस था। एंगलर और प्रेंटल ने फ्लावर के अंदर कुछ प्रिमिटिव एडवांस कैरेक्टर बताए, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर थे उनको पहले रखा क्लासिफिकेशन में, और जो एडवांस कैरेक्टर थे फ्लावर के उनको उस क्लासिफिकेशन में बाद में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया गया था, जिन फ्लावर के अंदर पेरियंत अनुपस्थित था, पेरियंत एब्सेंट था, जिसमें कैलिक्स और कोरोला नहीं पाए जाते हो, उनको प्रिमिटिव कैरेक्टर में रखा, और जिनमें एक या दो वर्ल में उपस्थित थे वो एडवांस कैरेक्टर माना था फ्लावर का। दूसरे में पॉलीपैटलस कंडीशन, जिसमें दल फ्री होते हैं, वो प्रिमिटिव का लक्षण माना, और संयुक्त दलीय जितने भी पादप थे, गैमोपैटलस प्लांट जो फ्लावर थे, उन सबको एडवांस कैरेक्टर में माना। जिनके अंदर पॉलिनेशन एनिमोफिलस होता है, प्रिमिटिव कैरेक्टर के अंतर्गत रखा गया, और जिनमें एंटमोफिलस होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है, उनको एडवांस कैरेक्टर में रखा गया, एडवांस ग्रुप में रखा गया। जिन फ्लावर के अंदर ओवरी सुपीरियर हो, प्रिमिटिव कैरेक्टर था, और जिनमें इन्फीरियर ओवरी थे वो सभी एडवांस प्लांट थे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिमिटिव कैरेक्टर में रखा गया, इसके साथ ही बाइसेक्सुअल फ्लावर जिनमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन या एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों उपस्थित थे, उनको एडवांस कैरेक्टर में रखा गया। फिर जब हम पेरियंत की बात करते हैं, तो जब पेरियंत कैलिक्स के समान होता है तो उसको हम कहते हैं सेपेलॉइड पेरियंत, यदि ग्रीन कलर का है तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर था, उनको प्रिमिटिव ग्रुप में रखा गया, और जिनमें पेरियंत कलर था, दल के समान था, पेटेलॉइड था, उसको एडवांस कैरेक्टर में रखा गया। अभी तक जितने भी हम जो क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन है या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उनमें डाइकॉट को प्रिमिटिव माना गया था और मोनोकॉट को एडवांस माना गया था, लेकिन इस एंगलर और प्रेंटल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में यहाँ पर मोनोकॉटिलिडंस को प्रिमिटिव माना गया है और डाइकॉटिलिडंस को एडवांस माना गया है। तो ऐसा बाकी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेंथम हुकर, उस वर्गीकरण में मोनोकॉट की उत्पत्ति डाइकॉट से मानी गई, तो डाइकॉट को प्रिमिटिव माना गया, जितने भी डाइकॉट प्लांट थे वो प्रिमिटिव थे और मोनोकॉट प्लांट एडवांस प्लांट्स माने गए थे, लेकिन इस क्लासिफिकेशन के अंदर मोनोकॉट प्लांट को प्रिमिटिव ग्रुप माना गया है और डाइकॉट जितने भी प्लांट्स हैं उनको एडवांस ग्रुप माना गया है। इसके साथ जो इनफाइनाइट स्टेमन्स हो या कार्पल हो, वो एक प्रिमिटिव लक्षण है प्लांट्स का, और फिक्स नंबर, डेफिनेट नंबर हो स्टेमन्स और कार्पल का, उन सबको एडवांस कैरेक्टर के अंदर माना गया है। एंगलर और प्रेंटल ने भी बेंथम हुकर की तरह स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन, जो कि सीडेड प्लांट कहलाते हैं, उनका क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने सीधे ही इस स्पर्मेटोफाइटा को दो सब डिवीजन में विभाजित कर दिया, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जैसे हमें पता है नेकेड सीड्स होते हैं इनके अंदर, और एंजियोस्पर्म हमें पता है सीड्स एनक्लोज्ड इन ओवरी वॉल। जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने बिल्कुल सेपरेट ग्रुप में रखा और एंजियोस्पर्म को एक अलग ग्रुप बना दिया। फिर एंजियोस्पर्म को
यहाँ पर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। यहाँ पर देखिए मोनोकॉटिलेडन्स को पहले रखा गया और डाइकॉटिलेडन्स को बाद में रखा गया, जबकि बेंथम और उकर के क्लासिफिकेशन में क्या था, वहां डाइकॉट को पहले रखा गया था ग्रुप को और मोनोकॉट को बाद में रखा गया था। मोनोकॉट को यहाँ पर इन्होंने एक प्रिमिटिव ग्रुप माना है और डाइकॉट को एडवांस ग्रुप माना है। मोनोकॉट के अंदर वही प्लांट रखे गए जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, पत्तियों के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, जो कि बेंथम हुकर में भी सेम कैरेक्टर बताए थे। इसी तरह डाइकॉटिलेडन के अंदर वो प्लांट्स रखे गए जिनके अंदर दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हो, सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती हो, लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल ओपन होते हो, ओपन का मतलब ये होता है कि उनमें कैम्बियम उपस्थित होती है और सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और वेस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद जो मोनोकॉटिलेडन है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन दिया है इसमें ऑर्डर और फैमिलीज की संख्या बहुत ज्यादा है। आप देखिए इसमें टोटल 55 ऑर्डर्स हैं और 303 फैमिलीज हैं। इतने लंबे वर्गीकरण को याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम एक आउटलाइन के फॉर्म में याद कर सकते हैं। जैसे मोनोकॉटिलेडन्स के अंदर 11 ऑर्डर दिए गए हैं और 45 फैमिलीज दी गई है। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, पेंडेनिल्स, जिसमें अपनी फैमिली आती है टाइफेसी, टाइफा फैमिली है, जिसको सबसे प्रिमिटिव फैमिली इस क्लासिफिकेशन की माना गया है। बेंथम हुकर में पता ही था हमें, डाइकॉट हमने पहले लिया था जिसमें रेनल कुलेसी रेनेल्स को सबसे प्रिमिटिव माना गया था। और लास्ट ऑर्डर आता है माइक्रोस्पर्मी, जिसकी फैमिली है ऑर्किडेसी। माइक्रोस्पर्मी का मतलब होता है स्मॉल सीड्स। ये हमने बेंथम हुकर में कहां पढ़ी थी, मोनोकॉट का सबसे फर्स्ट सीरीज थी माइक्रोस्पर्मी, और जिसकी फैमिली फर्स्ट फैमिली थी ऑर्किडेसी। इसमें सीड्स प्लांट किंगडम के सबसे स्मॉल सीड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है डाइकॉटिलेडन्स, जिसको एडवांस ग्रुप माना है। इसको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। देखिए आर्किक्लेमाइडी जो एक ग्रुप है यहाँ एंगलर और पेंट्रल का, जो बेंथम हुकर का पॉलीपेटली था और मोनोक्लेमाइडी ग्रुप था, उसको मर्ज करके पूरा एक ग्रुप बना दिया यहाँ पर आर्किक्लेमाइडी, जिसके अंदर पेटल्स आर फ्री। जहां हम उसमें पढ़ते हैं बेंथम हुकर में पॉलीपेटली में पेटल्स फ्री होती हैं, मोनोक्लेमाइडी के अंदर सिंगल वर्ड होती है, पेटल्स में भी फ्री और फ्यूज्ड, तो यहाँ पे उन दोनों ग्रुप को एक बनाकर पूरा एक ग्रुप सब क्लास बना दी आर्किक्लेमाइडी, जिसके अंदर 33 ऑर्डर्स हैं और 201 फैमिलीज इंक्लूड की गई है। इसमें भी हम फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर को याद कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इज वर्टिसिलेटी, इन्फ्लोरेसेंस पर नाम दिया गया है, और इसकी फैमिली है कैज्यूराइनेसी। लास्ट ऑर्डर है इसका अम्बेलीफोरी, और इसकी फैमिली है एपीएसी, या हम अम्बेलीफेरी भी कहते हैं इसको। और स्पाइस फैमिली, इसमें सारे मसाले इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरी सब क्लास इसमें दी है मेटाक्लेमाइडी। मेटाक्लेमाइडी बेंथम हुकर के गैमोपेटली के समान ही है, जिसके अंदर पेटल्स आर फ्यूज, जिनमें पेटल आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन सब प्लांट्स को रख दिया मेटाक्लेमाइडी के अंदर। इसके अंदर 11 ऑर्डर है, 57 फैमिलीज इस सब क्लास में रखी गई हैं। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर है डाइपेंसियंस और फैमिली है डाइपेंसीज। अब यहाँ देखिए लास्ट ऑर्डर पे थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। लास्ट ऑर्डर है कैंपेन्यूलेट्स, जिसकी फैमिली है कंपोजिटी, या जिसको हम एस्ट्रेसी भी कहते हैं, और ये इस सिस्टम की एंगलर और पेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे एडवांस फैमिली माना गया है। अब हम बेंथम हुकर पे यदि ध्यान दें, तो बेंथम हुकर में क्या था, वहां पर जब हम डाइकॉट का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, डाइकॉट के अंदर सबसे लास्ट ऑर्डर मोनोक्लेमाइडी में आता है यूनिसेक्सुअल, जिसकी फैमिली है यू4बीएसी। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। होना तो ये चाहिए था कि यूनिसेक्सुअल को हम सबसे एडवांस फैमिली मानते डाइकॉट की, लेकिन वहां पर क्या था, गैमोपेटली के अंदर जो पहली सीरीज आती है इन्फेरी,
इन्फेरी में जिसमें ओवरी इंफीरियर होती है और उसके अंदर एक फैमिली आती है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। बेंथम हुकर में भी डाइकॉट के अंदर सबसे एडवांस फैमिली माना गया है कंपोजिटी को, और यहाँ पर भी आप देखिए इसके अंदर भी इस कंपोजिटी या एस्ट्रेसी को ही सबसे एडवांस फैमिली माना गया है। तो यहाँ पर क्योंकि अब इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर और फैमिलीज दी गई हैं जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, जिसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन नहीं है। और जर्मनी और अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी जगह हम बेंथम और हुकर के वर्गीकरण को ही फॉलो करते हैं। थैंक यू।